बड़ी समस्या हुई, फिर आप आए, फिर आपसे ये समस्या कहा गया तो आपने उसमें अपना कदम उठाया, जिस वजह से हम परीक्षा से बाहर निकल। अभी हम आए हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम सेंटर पे, तो देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और अभी एग्ज़ाम दे के निकले हुए हैं, और इन लोगों के पास क्या समस्या है मैं इनसे जुड़ा बात करूँगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ हैं जो कि, तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम शकीलुर्रहमान, वेस्ट चंपारण बिहार से मैं हूँ। बिहार से जी? अच्छा, आप कहाँ सेंटर चूज किए थे? सेंटर मुजफ्फरपुर मैं चूज़ किया था। आप जब घर से लेकर सेंटर तक का सफ़र कैसा रहा? सेंटर तक का सफ़र तो कुछ आउट एरिया में सेंटर होने की वजह से थोड़ा सा समस्या हुआ है आने जाने में। अच्छा, और जब आप यहाँ आए हुए तो अंदर जाने के लिए कुछ समस्या भी हुआ है क्या? जी, वो नया आधार कार्ड डाउनलोडिंग वाला मांग रहे थे। जो आपके पास आधार कार्ड था पहले? जी, पहले से था। तो 2019 में मैं आधार कार्ड बनवाया, उस समय जो आधार कार्ड आया तो वो डाउनलोड किया। अच्छा। उसी आधार कार्ड से मैं कई परीक्षा भी दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं अलाउ किया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया। बड़ी समस्या हुई, फिर आप आए, फिर आपसे ये समस्या कहा गया तो आपने उसमें अपना कदम उठाया, जिस वजह से हम परीक्षा से बाहर निकल पाए। अच्छा, परीक्षा दिए है ना? जी, परीक्षा हो चुकी है दूसरी पाली के लिए। मैं नया डाउन, कैसा एग्ज़ाम गया है? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। किस लेवल का क्वेश्चन था? लेवल लगभग मॉडरेट ही कह सकते हैं, ना सिंपल है ना हार्ड है, मॉडरेट में सवाल थे। ओ, क्या तो हम आवाज़ उठाए हैं या बोले हैं तो आपको अंदर जाने दिया? जी, बिल्कुल, आप ही के वजह से मेरा परीक्षा संपन्न हुआ है, नहीं तो अंदर नहीं जाने दिया जाता हमको। चलिए, और OTP भी मंगाया गया? जी, OTP मंगवाया गया है। मैं दूसरे के मोबाइल में, बताइए सेंटर पर किसका मोबाइल लें? दूसरे बेचारे एक आदमी थे, मैं उनका मोबाइल लिया, उनके मोबाइल पर OTP मंगवाया, आधार कार्ड डाउनलोड किया, तब ला करके दिखाया, तब अंदर जाने दिया गया। ये तो अभ्यर्थियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। जी, बिल्कुल। अब हर बार की परीक्षा के लिए अब हर बार नया आधार कार्ड डाउनलोड होता चलेगा, ये तो पहली बार। इससे पहले भी मैंने CTET की परीक्षा में शामिल हुआ, लेकिन वहाँ इस तरह का रूल नहीं था, आधार कार्ड दिखाइए और चले। कब का डाउनलोड है नहीं है उससे बहस नहीं है, मेरा प्रूफ है, ओरिजिनल है, इसको देखिए। अच्छा, लेकिन अगर OTP नहीं आता, बाय द वे आपका मोबाइल नंबर खो गया होता, OTP नहीं आता तो एग्ज़ाम अंदर से नहीं देने? जी, बिल्कुल नहीं देने दिया जाता, कोई मेरे पास उसका समाधान नहीं होता। क्या नया आधार कार्ड मांग रहा था? जी बिल्कुल, नया अपडेट, नया डाउनलोडिंग आधार कार्ड 6 महीना के अंदर का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटर पे बहुत ऐसे अभ्यर्थी है, बहुत को तो एग्ज़ाम देने भी नहीं जाने दिया गया। बिल्कुल, वहाँ से निकाल दिया गया है, अंदर से इंट्री लेने में, वहाँ से जहाँ फाइनल इंट्री हो रहा था वहाँ से हटा दिया गया है। हम लोगों ने बहुत हल्ला किया है, फिर भी एंट्री लिया है और फिर बाहर कर दिया कुछ। जी, फिर बाहर कुछ को किया है। हाँ, तो आप लोगों ने देख लिया तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि CTET ऑफिस तक पहुँच जाए, और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि और जो भी बच्चे तैयारी किए उनके साथ इस तरह का ना हो और अदर सेंटर पे इस तरह का ना हो। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हमारे टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।